आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिनभर की खास सुर्खियों पर। राजस्थान नर्सिंग भर्ती परीक्षा 2018 के तमाम अभ्यर्थियों ने स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए काढ़ा पिलाया। पीबीएम अस्पताल के सभागार में एप्रिल डे के अवसर पर ली गई शपथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमंग सोनग्रा ने पत्रकारों से मुखातिब होकर दावेदारी की ताल ठोकी। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गजनेर के पास में एक टवेरा गाड़ी में लगी आग, चालक सहित 4 लोग सुरक्षित। पारिक चौक में कलदार पार्किंग की बात को लेकर के दो गुटों में हुआ संघर्ष। नया शहर थाना मई जाप्ता पहुंचा मौका वारदात पर। बसंत पंचमी के साथ ही चंग पर धवाल भी सुनाई देने लगी। चंग की पूजा के साथ सरस्वती उत्सव मनाया। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुख करते हैं बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की, जहां पर राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 की संघर्ष समिति जो है उसके द्वारा स्वाइन फ्लू के रोगियों को काढ़ा पिलाया गया। इस मौके पर जहां रोगियों की पहचान करने के साथ साथ जो सर्दी खांसी जुकाम के लोग थे और इसके अलावा भी लोग जो स्वस्थ थे उन्हें भी काढ़ा पिला करके और रोकथाम की मुहिम में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए संघर्ष समिति के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। अप्रिल डे के अवसर पर शपथ दिलाने के बाद हमने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी अग्रवाल से भी की विशेष बातचीत। गवर्नमेंट की भी एक स्कीम थी अंडर वन रूप सारी फैसिलिटीज मिले, उसी के तहत स्वाइन फ्लू में आयुर्वेदिक का इलाज काफी सक्सेसफुल है। हमारे जो सांसद जी हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे फायदेमंद। वहीं दूसरी ओर पीबीएम अस्पताल के ही सभागार में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी अग्रवाल ने अप्रिल डे के अवसर पर तमाम नर्सिंग स्टूडेंट्स को और नर्सिंग स्टाफ को शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के साथ जहां यह एप्रिन जो खास तौर से नर्स और डॉक्टर्स पहनते हैं ये सेवा का प्रतीक है। आइए हम आपको लिए चलते हैं पीबीएम अस्पताल, जहां पर डॉक्टर आरपी अग्रवाल ने तमाम नर्सिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ को ये शपथ दिलाई। विश्वास कर निभाने का सर्वोत्तम
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम सोनगरा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपनी ताल ठोकी है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में डिबेट होनी चाहिए, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनका एक विजन क्लियर होना चाहिए। पत्रकारों से मुखातिब होकर उन्होंने उम्मीदवारी को लेकर के बहुत सारी बातें की। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी प्रेस वार्ता के संपादित अंश। मैंने लोकसभा का चुनाव 1984 में गंगानगर से लड़ा, राष्ट्रीय परिषद का मैं 10 वर्ष सदस्य रहा और लगातार भाजपा परिवार में आत्मीयता से बीकानेर से लोकसभा के लिए उम्मीदवार के लिए मैं अपना पक्ष केंद्रीय नेतृत्व को रखूंगा। मैं यहाँ का संभावित प्रत्याशी अपने आप को मानता हूँ। ये मैं आपको एक बहुत नया निवेदन कर रहा हूँ कि प्रत्येक पार्टी के भीतर जो भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं उनकी परस्पर पार्टी के भीतर डायलॉग कराया जाए, उनकी डिबेट कराई। उसके बाद हमने बातचीत की ओम सोनगरा से। 84 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से गंगानगर से लड़ा, इसके बाद में जो दो लोकसभा चुनाव और कार्यकर्ताओं ने लड़े, गिरधारी लाल जी भोबिया ने, ओम जी आचार्य ने, उनका मैं ऑफिशियल कन्वीनर रहा और पूरे लोकसभा क्षेत्र बीकानेर गंगानगर में मेरे सीधे कार्यकर्ताओं से, जनता से, वहाँ की स्थानीय समस्याओं से रूबरू होता रहा और मुझे व्यवहार में पता है कि इन पूरे दोनों विधान लोकसभा क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं उनको मैं उठाता रहा हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में जो मैं काम करता रहा हूँ बीकानेर की, गंगानगर की जनता को अच्छी तरह से पता है और उस स्थिति में मैं मेरा एक कर्तव्य के रूप में मानता हूँ कि मेरी जो क्षमता है उसका पार्टी को अधिकतम उपयोग मिले, उसका सदुपयोग हो, इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा। राजनीतिक चुनाव जो है मैराथन दौड़ होती है, चुनाव से पहले तक जो भी होता है वो हमारा प्रतिनिधि है, हमारा वो ये अग्रज है, परंतु चुनाव की घोषणा होने के बाद में फिर मैराथन दौड़ होती है। जिसको भी टिकट मिलता है उसमें मैं अपनी क्षमताओं में किसी से भी कम नहीं मानता और जो राजनीतिक दलों में मैं सबको निवेदन करता हूँ कि हर पार्टी के भीतर जो भी टिकट मांग रहे हैं उनकी आपस में डिबेट कराई जाए, उनका विजन टेस्ट किया जाए और उनके काम करने के लिए जो पार्टी नेतृत्व कार्य देती है उसके अलावा वो अपना व्यक्तिगत रूप से उसकी क्या योजना है उसको बताएं। आप कहां से, किस पार्टी से टिकट? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बीकानेर का। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर गजनेर के पास में एक टवेरा गाड़ी में आग लग गई। आग में हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस गाड़ी के चालक और चार जो सवार थे उन्हें ड्राइवर की सूझबूझ के साथ में उतार लिया गया और उसके बाद में गाड़ी धूं धूं कर जलने लगी। आइए हम आपको दिखाते हैं वो नजारा कि कैसे चलती गाड़ी में आग लगी और आग लगने के बाद ड्राइवर की कुशलता से सभी सवार सकुशल नीचे उतर चुके थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। लोग हैं जिन पे आप करते हैं आंख बंद करके भरोसा, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप हम पर करते हैं आंख बंद करके भरोसा। ASG आई हॉस्पिटल्स।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर में इन दिनों शादियों का माहौल है। शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में भवनों में जहां शादियां होती है वहां पर पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे काफी दिक्कतें होती है। कल रात पारिक चौक की पड़ाय माता मंदिर के पास में एक भवन में जहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था वहां पार्किंग को लेकर के दो गुटों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। कई लोगों को गहरी चोटें आई जिनका इलाज ट्रोमा सेंटर पर चल रहा है। हालांकि एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दोनों ही पक्ष नया शहर थाने में रिपोर्ट कराने भी पहुंचे। हालांकि सूचना मिलते ही नया शहर थानाधिकारी सहित पुलिस के कई जवान वहां मौके वारदात पर पहुंच चुके थे। हालांकि देर रात तक स्थिति को काबू में कर लिया गया था। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन खासतौर से मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी के पूजन के साथ साथ जहां शहर में चंग पर धमाल की रौनक भी दिखाई देने लगती है। कुल मिलाकर के इसी दिन से लोग चंग भी बजाना शुरू करते हैं, चंग की पूजा करते हैं। दिखाते हैं हम आपको कि चंग पूजन के कुछ संपादित अंश। भंडार में भी बसंत पंचमी के मौके पर 3 दिवसीय वासंतिक समारोह का समापन हुआ। इस मौके पर 4 विभूतियों का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में खासतौर से अतिथियों के रूप में जहां इतिहासकार डॉक्टर अपने बच्चों को हमें साहित्य पढ़ाना चाहिए और 15 मिनट का वक्त दिया गया है अदब को सुनने के लिए, साहित्य को सुनने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। वैसे सारा दिन आपका है, हम सुने। अर्ज किया है कि हमारी याद का ख्वाबों से और सदा बनकर, घटा बनकर, फजा बनकर, सबा बनकर, सदा बनकर, घटा बनकर, फजा बनकर, सबा बनकर, न जाने कब मैं आ जाऊं, दरीचा तुम खुला ज्योतिर्मयी वागीश्वरी हे शारदे देदायिनी पद्मासनी अरदे सुरशाप्त ज्ञान प्रदायिनी माँ भगवती सुखदायिनी शत शत नमन वंदन वरद शारदा हम छंद सार स्लीन रुचि कर रच
बच सके है प्रार्थना, दोहे कविता कुंडली सवैये सोरठे हर गीतिका। गिरिजा शंकर जी भी मौजूद रहे, विद्या सागर जी भी इसमें मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। बीकानेर की अजीत फाउंडेशन में डॉक्टर बजरंग जोशी और डॉक्टर श्री लाल मोहता के संपादन में लिखी गई पुस्तक संगीत संस्कृति की प्रकृति का लोकार्पण डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य और ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी डी कला के करकमलों से हुआ। इस मौके पर जहाँ अजीत फाउंडेशन में इस पुस्तक पर बोलते हुए डॉक्टर नंद किशोर आचार्य ने कहा कि संस्कृति को व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीत जो है उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसकी अपनी एक प्रकृति है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मन बुद्धि और चेतना के विस्तार के रूप में हमें संस्कृति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीत सात सुरों से मिलकर के बना है, वैसे ही संस्कृति भी सात तत्वों से मिलकर के बनी है जिनमें सात तरह की कलाएं शामिल हैं। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबरों पर। परीक्षा 2018 के तमाम अभ्यर्थियों ने स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए कारण दिलाया। पीबीएम अस्पताल के सभागार में एप्रिल डे के अवसर पर ली गई शपथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमंग सोनग्रा ने पत्रकारों से मुखातिब होकर दावेदारी की ताल ठोकी। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गजनेर के पास में एक टवेरा गाड़ी में लगी आग, चालक सहित 4 लोग सुरक्षित। पारिक चौक में कलदार पार्किंग की बात को लेकर के दो गुटों में हुआ संघर्ष, नया शहर थाना मई जाप्ता पहुंचा मौका वारदात पर। बसंत पंचमी के साथ ही चंग पर धवाल भी सुनाई देने लगी, चंग की पूजा के साथ सरस्वती उत्सव मनाया। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।